कैसे हम लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल प्राची एजुकेशन न्यूज़ में। ये वीडियो जो है बेसिकली आपके क्या फॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है, कि कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो कि आपको बतानी थी भैया। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि जो भी सैक कैब से इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। सबसे पहली बात जो है वो कुछ ये है कि वो स्टूडेंट्स सही है जिन्होंने अपने कोई फॉर्म में रिजेक्शन आई थी, ठीक है, किसी वजह से रिजेक्ट हो गया था इनका फॉर्म, या किसी ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया, सही है, फॉर्म फिल अगर नहीं किया तो उनके लिए एक डेट आई हुई है, वो है 8 अगस्त। 8 अगस्त तक आप अपना फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं, वो स्टूडेंट जिनकी रिजेक्शन आई हुई हो या फिर किसी ने फॉर्म नहीं फिल किया हुआ, ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है, अब आपने फॉर्म किस तरीके से फिल आउट करना है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीका है, बट छोटी सी बात समझाऊंगा कि सबसे पहले जो है आप ये अप्लाई ऑनलाइन पे चले जाओगे और न्यू एप्लीकेशन आप कर रहे हो कि रिजेक्शन हो गई, नए एप्लीकेशन पे चले जाओगे और यहाँ पे इसी तरीके से आप अपना डालते रहोगे। जैसे कि 9th आपका पासिंग होगा, 2021 में आपने बेसिकली अपना 9th किया होगा, प्रोग्रेस आपका सेट होगा, बोर्ड आपका भाई ये है, आप अपना CNIC डाल दोगे, उसके बाद अपना 9th का जो है रोल नंबर डाल देना, मैट्रिक का रोल नंबर डाल देना, देन उसके बाद वैक्सीनेटेड में लाजमी यस करना। उसमें आगे जो है आप प्रोसीड करोगे तो फिर आपके बारे में पूछेंगे कि भाई आपके कितने मार्क्स आए थे, क्या है, ठीक है, मैं सारा कुछ नहीं बताऊंगा। फिर आगे आप जाओगे तो आपसे पूछेंगे कि आपके फादर की ऑक्यूपेशन, और उसके बाद फादर का CNIC, मदर का CNIC, और डोमिसाइल का, फादर का, अगर आपका नहीं बना हुआ तो फादर का डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने डालना होगा। देन फर्दर आगे करेंगे तो अपना कट ऑफ के हिसाब से आपने देखना है कि आपके किस में, अगर आप कट ऑफ देखना चाहते हो यहाँ से भी देख सकते हो कट ऑफ, ये सारे कट ऑफ गिवन है, ठीक है, ये नीचे वाले मत देखना कि 2021 के लिए था, ये सारे कट ऑफ आपके पास गिवन है। फॉर एग्जाम्पल आप प्री मेडिकल है तो 20, आप प्री मेडिकल का कट ऑफ यहाँ से ये देख सकते हो, ठीक है, ये आपका सारा कट ऑफ है। अब इसके हिसाब से आपने अपने कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए सिंपली यही है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 527 मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल आपका 525 आया हुआ है, ठीक है, फिर भी आप भी एम पी सी एच एस सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 527 पे कट ऑफ हुआ है, आप अगर सेलेक्ट करोगे आपका एडमिशन नहीं होगा। आपने सेलेक्ट इस तरीके से करना है कि 527 जो आया हुआ है आपने उससे कम वाले कॉलेज, जैसे कि अभी आपके 525 मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे सेंट लॉरेंस को सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि इसका 521 है, तो आपके मार्क्स से जो कम मार्क्स होंगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी कॉलेज आपके मार्क्स से 525 आपके मार्क्स हैं तो आप वो कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। ये छोटी सी बात थी जिसमें मैंने आपको कैप फॉर्म से रिलेटेड कट ऑफ से रिलेटेड बताया कि कट ऑफ देख कर आपने करना है, सही है। तीसरी बात ये जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट क्लेम फॉर्म से रिलेटेड पूछ रहे होते हैं, क्लेम फॉर्म कैसे करना है, हमने क्लेम करवाना है, या फिर देखो क्लेम फॉर्म दो वेज में होता है, पहला वेज ये, या फिर आपका कोई ऐसा कॉलेज में पढ़ गया है जो आपके घर से दूर है, ठीक है, देन आप उसको क्लेम करवा सकते हो, या फिर कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आपके मार्क्स जो है अच्छे थे मगर आपको ऐसी कॉलेजेस में डाल दिया। और तीसरी एक और बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट की फैकल्टी चेंज हो जाती है, मतलब कि एक बच्चा प्री इंजीनियरिंग में कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको भाई ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कॉमर्स के अंदर, ठीक है, या फिर उसको कर दिया जाता है किसी भी फील्ड में, ठीक है, देन आपके लिए यह क्लेम फॉर्म क्लेम जो है करवाना सूटेबल है। अब क्लेम करवाना कैसे है, मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दिया है जो कि मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि किस तरीके से क्लेम कराना है, मगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि भाई आप ये क्लेम कॉलेजेस में जाओगे, क्लेम कॉलेज में जाने के बाद सिंपली भाई आप अपना CNIC यहाँ पे डालोगे, अपना भाई यहाँ पे आप मैट्रिक का रोल नंबर डालो, ये डालने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि आपके पास आ जाएगा फैकल्टी चेंज करने के लिए, फैकल्टी आपने चेंज करनी है कि नहीं, प्री इंजीनियरिंग है, अब आपने जो फैकल्टी रखनी है आप वो कर सकते हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्री इंजीनियरिंग से मुझे कंप्यूटर साइंस में आना है तो मैंने कंप्यूटर साइंस कर दिया, अब मुझे कॉलेज ऐसा मिला है मुझे कॉलेज भी चेंज करना है तो मैं कट ऑफ में आऊँगा। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस अगर मेल में है तो मैं मेल में देख लूँगा कंप्यूटर साइंस में कि भाई मेरे मार्क्स से कम मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे 500 मार्क्स आए हैं, अब 500 मार्क्स मेरे 9th क्लास में आएगा, मैं यहाँ पे देखूंगा कि भाई मेरे 9th क्लास में 500 से कम वाले जो कॉलेजेस होंगे उसमें यहाँ का क्लेम हो सकता है, उससे ज्यादा वाले में क्लेम नहीं हो सकता, 503 आया हुआ है, 500 आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो 500 भी क्लेम कराना काफी मुश्किल है, ठीक है, क्लेम 500 पे भी नहीं होता, कम होना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट जिला कॉलेज यहाँ मेरा हो जाएगा, SM में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये सारे कम वाले कॉलेज, अगर मैं इनमें से कोई भी एक कॉलेज डालने होते हैं क्लेम करने के लिए आप, तो आपको वो चूज करना पड़ेगा कि भाई अब मेरे पास ये कुछ कॉलेजेस बचे हुए हैं मैं किसमें क्लेम करवाऊँ, जो भी आप उसे आपको एक कॉलेज में ट्रांसफर करवाओगे फील्ड भी आपकी चेंज हो जाएगी, वो सब कुछ जाएगा, ठीक है, तो मैंने आपको क्लेम से रिलेटेड भी डिस्कशन कर ली। चौथा पॉइंट यहाँ पर ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि सर सारा प्रोसेस हो गया हमारा, हमने फॉर्म भी भर दिया, हाँ कट ऑफ से देखकर फॉर्म भी सबमिट हो गया, नाम भी आ गया, क्लेम भी करवा लिया, और जब आप क्लेम करवाते हो तो फौरन उसी वक्त ही क्लेम का रिजल्ट भी आ जाता है, स्टेटस में जाकर चेक कर लिया करो, ठीक है, अब क्या करें कि जब हमने क्लेम भी करवा लिया कॉलेज में नाम आ गया, अब आपने सिंपली क्या करना है, यू हैव टू गो, ठीक है, यू हैव टू गो टू योर डिजायर्ड कॉलेज, जो भी आपका डिजायर्ड कॉलेज है जहाँ पे आपका नाम आया है आपने वहाँ जाना है और अपना रिपोर्ट करना है।
रिपोर्टिंग करनी है। अब रिपोर्टिंग से मुराद ये है कि भाई रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर वहाँ पे बोलोगे, सिंपल सा आपने वहाँ पे जाकर अपना एडमिशन फॉर्म होगा, एडमिशन फॉर्म होगा वो आपने लेना है, सही है, एडमिशन फॉर्म आपने लेना है, एडमिशन फॉर्म को प्रॉपरली फिल आउट करना है और फिर आपने उसको सबमिट करना है, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो एडमिशन फॉर्म नहीं दे रहे, डायरेक्ट आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, तो आप उनको डायरेक्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दे दें, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट एक इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मैंने आप सबसे डिस्कस करनी थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही थी रिलेटेड इससे। तो ये बेसिकली जो है एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियोज़ के साथ हाजिर होगा, ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।